अभी व्लॉग वगैरह मैंने डाल दिया है। व्लॉग अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे। आई थिंक अब डलने वाले 10-15 मिनट में आ जाएगा। रात के बज रहे हैं 12:45 और बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा। तो अभी भाई दूध वगैरह पी के और डायरेक्ट सोता हूँ, मिलता हूँ सुबह जिम में। हाय, गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सुबह के बच्चों के हैं 6:30 और आज मैं जिम थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ क्योंकि रात को मैं आई थिंक 12 बजे के आसपास सोया था, तो भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। और आज दूसरा भाई ऑफिस की भी छुट्टी है, तो आज मैं जिम जाऊंगा 7:30 बजे के आसपास। जिम भी आज लेट जाएंगे और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से। गाइस, मैं आ चुका हूँ जिम। मौसम वगैरह बहुत प्यारा हो रहा है आज, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश वगैरह बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैं आ चुका हूँ। और भाई बारिश की वजह से जिम में कोई नहीं आया, खाली पड़ी है, गिनती के 3-4 बंदे ही है। तो भाई जब खाली होती है ना जिम, तो वर्कआउट करने का अलग ही सुकून होता है, मतलब सुकून अलग लेवल का। मशीन वगैरह पे वेट ही नहीं करना कुछ। हाँ भाई, वर्कआउट वगैरह अपना हो गया, अब अपन जा रहे हैं घर की तरफ। वो हम लोगों ने मतलब नरेंद्र भी आज थोड़े लेट आए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम काले हनुमान जी अभी निकलेंगे कुछ देर में, घंटे भर में। ये देखो भाई क्या मौसम है यार। यस गाइस, हम लोग निकल चुके हैं काले हनुमान जी के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे को जाना है नरेंद्र भैया के वहाँ पे। अपन पहले उनको पिकअप करेंगे, फिर वहाँ से अपन लोग चलेंगे काले हनुमान जी के लिए। मौसम वगैरह बहुत अच्छा है। हम लोग पहुँच चुके हैं नरेंद्र भैया के यहाँ पे। ये रहे नरेंद्र भैया, ये कुलदीप है, ये मनदीप है, ये नरेंद्र जी के दोनों बेटे हैं। हाँ भाई, अब हम लोग निकल चुके हैं हनुमान जी के लिए, काले हनुमान जी के लिए। ये दोनों बच्चे, ये मैम और ये नरेंद्र भैया एज यूजुअल। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। चाय पीने का प्लान था लेकिन प्लान कर दिया कैंसिल। हम सोचे भाई चाय वाय जो है आते वक्त पियेंगे, हम अभी नहीं पियेंगे। और ये सारे के सारे पीछे खेल रहे हैं, बातों पर ध्यान ही नहीं इन लोगों को, कुछ मतलब दिया दुनियादारी से। एडिटिंग वगैरह तो वो सब तो मैं कर दूंगा, ये चलो कर देंगे, मैं करवा दूंगा एडिटिंग वगैरह। चलो एक बार के लिए मैं कर दूंगा, ये मैं सोच लेता हूँ। हाँ, लेकिन सेम सैलरी में आपको व्लॉगिंग वाला भी काम करना होगा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। अपने टाइल्स का डालना और कोई व्यापार करना, बिजनेस। भाई ये है असली गुजराती, ये है असली गुजराती इंसान, हर जगह धंधा घुसा देता है भाई, हर जगह धंधा। मतलब पैसा रुकना नहीं चाहिए भाई साहब, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, कैसा भी आओ चाहे। वीडियो टाइल्स की एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, इससे ज्यादा टाइल्स हो ही नहीं सकती। बस नहीं नहीं वो डालना उसके बाद में कभी कभी। लोगों को नए नए कंटेंट चाहिए, कंटेंट क्रिएटर बनेगी भाई, कंटेंट चाहिए लोगों को, कंटेंट। अरे वो दिखाओ ना, अल्बर्ट हॉल आ गया। अल्बर्ट हॉल, बारिश में भी कबूतर उड़ रहे हैं। कबूतर ये जो फोटो खिंचाने वाले थे भाई, ये वाली मैम अब फंस गई जाल में। आ चुकी क्योंकि ये मैम है ना, ये मैम सर के यहाँ पे काम टाइल्स वगैरह का, सर का बहुत अच्छा काम है, तो वहाँ पे मैनेजर है ये सर। अब ये बोली कि मैं 5 दिन पहले यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, छुट्टी नहीं ली मैं, शाम को निकली थी पीजी की आंटी और हम सब लड़कियाँ घूमने के लिए। बोल देना भाई, मजाक मजाक में सच निकल जाता है। मालिक नहीं है और भाई साहब यार झूठ बोल बोल के जा रहे, पोस्ट डाल रहे हैं। वाओ, अब भाई अब आएगा पोल छोड़े, अब खुलेगा इनका राज। अब मैम अपनी झूठ की सफाई देते हुए, देखो 15 जुलाई को नरेंद्र भैया को पता ही नहीं है। आप वो पोस्ट दिखाओ जो मंदिर में आपने डाली थी, गई भाई। इंक्रीमेंट लगेगा, वो गया, सैलरी बढ़नी थी, गई, छुट्टी मिली थी, नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। अब रुको, ये अभी अपन कर चुके हैं मंदिर में एंट्री, ये अब करते हैं मंदिर में एंट्री। हाँ भाई, दर्शन वगैरह हम लोगों ने कर लिए,
अब मौसम बड़ा अच्छा है, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जलमहल की तरफ जाके आ जाएं। दोनों बच्चे नरेंद्र भैया इस तरफ, बहुत अच्छे दर्शन हो गए भाई अंदर जाके, इतना अच्छा एक नेक्स्ट लेवल का सुकून मिलता है, बहुत शानदार वाला सुकून मिलता है। प्लीज जो भी आपने जैसे अभी बोला ना वो प्लीज रिपीट कर दो, रिपीट करो, डुबकी मार लो और शुभ डुबकी आपके द्वारा की जाए। मैं तो डूब जाऊंगी, मेरे को तैरना ही नहीं आता। तैरना नहीं, वो तो हम बचा लेंगे, वहाँ पे वो बोट वगैरह वाले कुछ ना कुछ होगा, मरते हुए लोगों को कोई बचाने नहीं आता। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम आएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, लेकिन हम तैर के तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आएंगे, कपड़े गीले हो जाएंगे भाई साहब, इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे तैरा कैसे जाएगा, लेकिन भाई औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भरोसा नहीं है। यस एक्सपेक्ट कर रही है, नहीं एक्सेप्ट कर रही है, एडिट करूंगा इस चीज को, एक्सेप्ट कर रही है। नहीं ये फनी हो जाएगा, पहले तेरे मत करना, ये फनी हो जाएगा। नरेंद्र भी अपन को बता रहे हैं जलमहल के बारे में कि क्या क्या है। जलमहल के बारे में बारिश हो रही है, पानी भरा है बीच में, वाह यार ये भी तो पता नहीं। और अभी पता है मेरे को बोला यहाँ पे मैं पहले रहता था पानी में, उस पे रहता था, उस पे किस पे जो महल है ना, महल से मेरे लिए रास्ता पीछे से होता हुआ करता था पहले, आज के 40 साल पहले भाई, इनकी उम्र 30 साल है, अरे आज के 40 साल पहले इनके लिए रास्ता हुआ करता, कहां से पता नहीं हुआ करता था। यस गाइस हम पहुंच चुके हैं जलमहल, और ये यहां की स्थिति देखो, ये रही हमारी टीम पूरी भारत की पहली है, ये रही, लो चलो भैया अंदर चलते हैं, कहां से चलें, यहां से स्वच्छ, भाई ये मैं दिखा नहीं सकता, स्वच्छ भारत की पहचान को लोगों को पता है वैसे तो, चलो भैया अंदर चलते हैं। तो मैंने तो लिए चने, बिकॉज मेरी मील पूरी नहीं हो रही थी, डाइट वगैरह में कुछ लेके नहीं आया था, तो भाई मेरे को तो क्या भूख लगी, तो मेरे को थोड़ा सही खाना था, तो मैंने ले लिए चने वगैरह, प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा थोड़ा बहुत, हैशटैग प्रोटीन लवर। भैया भुट्टा लेके आ गई, 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े बैठे, लेकिन ये खाया नहीं जा रहा, तो सुबह से बोलिए भुट्टा खाने, क्या 30 रुपए की ये यहाँ पे रहती थी, वो जो कप दिख रहा है बस वहीं के आसपास में कुछ, तो वो जो आपका महल था वो टूट कैसे गया, बारिश वगैरह आ गई तो पूरा हो गया होगा, आप जैसे आए बसेरा करने उसमें डाका डाल दिया, हम लोग इसमें डाका डालेंगे, इसमें डाका डालने जैसा क्या है। तो मैम बोलती कि पहले वो यहाँ पे रहती थी, नहीं तो मैं नहीं, मैं सच में रियलिटी जानना चाहता हूँ, वो घर वगैरह जो यहाँ पे था कहाँ पे चला, मैं सॉरी बंगलो इसी छत पे रहती थी मैं, इसी छत पे रहती थी, क्या करने आते थे छत पे। यस गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ, अभी जस्ट आया ही हूँ, 10-15 मिनट पहले आया हूँ। नरेंद्र भैया को मैंने कहीं पे मतलब उनके सिटी में उनको कुछ काम था तो मैंने उनके वहाँ पे छोड़ दिया था, और फिर मैं वहाँ से चला गया था मेरी कोई मीटिंग के लिए, और वह मीटिंग थी मेरी 2 घंटे की, लेकिन मीटिंग को टाइम लग गया 5 घंटे, लेकिन भाई मीटिंग वगैरह में बहुत मज़े आए, सब कुछ बहुत बहुत वेल एंड गुड गया, बहुत अच्छा हुआ। सो आज के लिए इतना ही था गाइस, आज पूरा दिन बढ़िया मस्त घूम फिर लिया, काम वगैरह हो गया, चलो बाय बाय टाटा, सी यू टुमारो, और मेरी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन को दबा देना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और मेरा डेली 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 व्लॉग आएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ डेली व्लॉग बनाने की, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, जैसा भी कुछ करता हूँ, जो भी छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बाय, गुड नाइट एंड जय श्री राम।